आर को रेड सिग्नल। जी हां, शहडोल के पास बुधवार को मालगाड़ियों के टकराने के बाद बिगड़ी हुई रेल यातायात की व्यवस्था को लेकर गुरुवार को स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, जिसके चलते 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो छत्तीसगढ़ से चलने वाली ट्रेनें हैं। इस हादसे के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वैसे भी इन दिनों थोक में ट्रेनें रद्द हो रही है और ताज्जुब ये भी है कि सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही, जिसकी वजह से हर दिन लगभग यात्रियों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कभी ट्रेनें देर से चलती है, कभी ट्रेनें रद्द हो जाती, कभी कोई समय निर्धारित नहीं होता है, तो कभी कुछ और चीज़ें आ जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने पहले तो ट्वीट किया कि जो विज्ञापनों में चलती है उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं और जो पटरियों पर चलती है उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। आखिर कब तक जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि पहले ट्रेनें एक्सीडेंट होने पर रद्द होती थी, अब तो रोज ट्रेनें रद्द हो रही है। गर्मियों में लोग बच्चों की परीक्षाएं खत्म होने के बाद बाहर जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हैं, उन्हें स्टेशन आने पर पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई है। इस ओर रेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए। बता दें कि कोरोना काल में यात्री ट्रेनों का चलना बिल्कुल बंद सा हो गया था। अब प्रायः सभी ट्रेनें चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रोज कई ट्रेनें रद्द रहने का जो सिलसिला है वो लगातार लंबे समय से जारी है। कई बार मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं, अक्सर ट्रेनें रद्द करने का कारण भी लोगों को पता नहीं चलता। प्रायः ट्रैक के मरम्मत या निर्माण के चलते ट्रेन रद्द कर दी जाती है या कई बार इस तरह की बातें कह दी जाती है। जरूरी होने पर, ट्रेनों के रद्द होने पर शायद ही किसी को एतराज हो, लेकिन बड़े पैमाने पर और अक्सर ऐसा होने से रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर लोग शक करने लगे हैं। तो वही इस तरह से रोज की परेशानी को लेकर अब लोगों का हैरान होना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। पहले ट्रेन एक एक्सीडेंट में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, यहाँ ट्रेनें रद्द हो रही, महीनों से रद्द हो रही है। और गर्मी के दिन में जब बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो सब परिवार के लोग रिश्तेदारों के यहाँ भ्रमण करने सब जाते हैं, ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होना और सैकड़ों यात्रियों को जानकारी भी नहीं होना और प्लेटफॉर्म में सब बैठे इस भीषण गर्मी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसको रेल मंत्री को ध्यान संज्ञान में लेना चाहिए। लगभग 16 ट्रेन हैं जिसमें लोकल कुछ पैसेंजर्स हैं, कुछ एक्सप्रेस हैं जो बिलासपुर कटनी रूट की हैं, उन गाड़ियों को हमने स्टॉप किया है और लगभग 6 गाड़ियों को हमने रीशेड्यूलिंग किया है और 4 गाड़ियों को हमने डाइवर्ट किया है, जिसमें अपनी रायपुर डिवीजन की मुख्यतः संपर्क क्रांति है जिसको हमने गोंदिया मार्ग से चलाया है और कुछ यात्रियों को हमने यहाँ से दुर्ग तक पहुँचाया है ताकि वो लोग पहुँच जाएँ उस गाड़ी में। रेलखंड में कल सिंहपुर के पास 2 रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हुई थी और इसके बाद जो है दोनों गाड़ियां डीरेल हो गई थी और इसके चलते जो है कई ट्रेनें जो है प्रभावित हुई है और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कई सारी ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई है, करीब 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 4 ट्रेनों को विलंब से चलाया जा रहा है, इसके अलावा जो है 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। कब वहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य तो शुरू हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं जो उस मार्ग में चलने वाली सारी ट्रेनें थी वे विलंब से चल रहे हैं, यात्री जो है स्टेशन में आए हुए हैं और फिलहाल जो है बात करें हम करीब 1 साल से, पिछले 1 साल से तो सभी ट्रेनें कहीं ना कहीं विलंब से चल रही थी। आप भी काफ़ी देर से स्टेशन में बैठे हुए हैं, कहाँ जाना था आपको? मुझे पुणे जाना है। कितने घंटे ट्रेन आपकी लेट है? मेरी 1 घंटा हो गई अब ऑलमोस्ट। और आए थे आप यहाँ स्टेशन में? मैं 12 बजे से आ गई हूँ बट 1 घंटे लेट है ट्रेन। सारे यात्री जो है इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो है रेलवे की लेट लतीफे का खामियाजा भुगत रहे हैं। फिलहाल जो है सिंहपुर स्टेशन में मेंटेनेंस के कार्य चल रहे हैं, कब तक के वहाँ पर पूरे होंगे कार्य इसे लेकर जो है अभी भी रेलवे के अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन मलकी सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर।